डेज आई वर्क। ओके देखिए ये है हमारा पोर्शन, कैन यू रीड इट एनीवन, व्हाट इज इट? विज्ञापन लेखन। या सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने एक क्वेश्चन दिया था विज्ञापन लेखन का, राइट? यस विज्ञापन लेखन वो कैसे लिखना चाहिए पैराग्राफ सिक्स स्टैंडर्ड में पैराग्राफ राइट विज्ञापन लेखन नॉट पैराग्राफ पैराग्राफ राइटिंग आई गिव लास्ट ईयर मैम द जिस अनुच्छेद राइट ओके अनुच्छेद एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लेटर राइटिंग नो 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 दैट इज पत्र लेखन मैम निबंध एडवर्टाइजमेंट देखिए विज्ञापन लेखन इट इज एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एडवर्टाइजमेंट यस मैम वी हैव यस मैम यू गेट वन टू शॉप अबाउट टू 30% से यस मैम ओके देखिए तो विज्ञापन लेखन है आज हमारा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए विज्ञापन लेखन रिलीज है ओके तो प्लीज लिसन केयरफुली हाउ एक विज्ञापन लेखन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए क्या क्या नोट करना चाहिए ओके प्लीज नोट सबसे पहले विज्ञापन लेखन क्या है इसका अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजमेंट राइटिंग सच अपो विज्ञापन लेख विज्ञापन का अर्थ विज्ञापन वो शब्द का अर्थ है सूचना प्रदान करना सूचना प्रदान करना क्या है सूचना इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रदान करना इंफॉर्मेशन देना ओके वो है विज्ञापन वो वर्ड का मीनिंग का इसका मीन है सूचना प्रदान करना विज्ञापन वो शब्द का अर्थ है सूचना प्रदान करना ओके देन द सेकंड वन सेकंड हेडिंग देखिए अच्छे विज्ञापन लेखन के गुण कॉपी नहीं करना चाहिए ओके विल सेंड द नोट लिसन द क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल विज्ञापन लेखन विज्ञापन शब्द का क्या अर्थ है इंफॉर्मेशन सूचना प्रदान करना प्रदान करना प्रदान करना देन सेकंड वन अच्छे विज्ञापन लेखन के गुण एक गुड एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या गुण होना चाहिए स्पेशलिटी ओके ओके फर्स्ट पॉइंट इज विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट आकर्षक होना चाहिए क्या है आकर्षक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते समय प्लीज नोट क्या करना क्या होना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव सेकंड पॉइंट अधिक ज्ञान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए यदि हमारा विज्ञापित वस्तु एक पुस्तक है एक ग्रामर बुक हमारा एडवर्टाइजमेंट वस्तु तो अधिक ज्ञान क्या है अधिक ज्ञान there should be more information about the product. हमारा वो वस्तु क्या है वो प्रोडक्ट क्या है वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कुछ नहीं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए व्हाट एडवर्टाइजमेंट थर्ड वन जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम बार बार आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमारा विज्ञापन वस्तु एक ग्रामर पुस्तक है तो ग्रामर बुक का नाम एक नेम विल बी देयर राइट वो बुक को yeah. वो नाम बार बार, बार बार आना चाहिए बार बार माने हमें रिपीट रिपीट इट शुड बी रिपीटिंग अ लॉट ऑफ टाइम देन द फोर्थ पॉइंट फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए गुणों का उल्लेख करना चाहिए वो विज्ञापित वस्तु क्या है वो प्रोडक्ट क्या है उसका गुण क्या क्या गुण है क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटीज ऑफ इट क्वालिटी एंड इसका उल्लेख करना क्या है उल्लेख करना मैम डिस्क्राइब इट डिस्क्राइब अगेन डिस्क्राइब करना या इसका इंक्लूड करना ओके वो गुणों का उल्लेख करना चाहिए वो पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स के रूप में यू कैन राइट देन द लास्ट वन फिफ्थ पॉइंट शीर्षक आकर्षक हो शीर्षक माने द मॉरल नॉट मॉरल शीर्षक मॉरल इज संदेश नॉट कंक्लूशन हेडिंग हेडिंग शुड बी अट्रैक्टिव एंड द सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों सरल वाक्य का प्रयोग एडवर्टाइजमेंट है तो सिंपल सेंटेंस में लिखना चाहिए हमारा साहित्यिक
वर्ड्स एंड ऑल नो नीड सिंपल सेंटेंस में. आप इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे हमारा समाचार या न्यूज़पेपर में मैंने. तो एक विज्ञापन लेखन के कुछ गुण है, ये गुण के अनुसार एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना चाहिए. ओके, एडवर्टाइजमेंट लेखन के लिए 5 मार्क्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या देखना चाहिए एक और बार देखिए. सबसे पहले विज्ञापन का क्या अर्थ है आपके मन में रखिए, क्या अर्थ है विज्ञापन का, क्या अर्थ है विज्ञापन का? सूचना प्रदान करना. सूचना प्रदान करना, क्या है इसका मीनिंग? एडवर्टाइजमेंट सूचना प्रदान करना. सूचना प्रदान करना क्या है? इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन देना. देन अच्छे विज्ञापन लेखन के गुण हमने देखा, 5 गुण हमने देखा. फर्स्ट वन, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए. मन में रखिए आप लास्ट, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए. It should be attractive. Attractive होना चाहिए. Second one, अधिक ज्ञान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए. The information should be about the should be concentrated in the product. The third one, जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम, I mean the product का नाम, subject. प्रोडक्ट का नाम या नेम मेनी टाइम्स बार बार आना चाहिए. The name of the product should be repeated every time. Not every time, one or two times either. Okay. Then the fourth one, गुणों का उल्लेख करना चाहिए. क्या क्या गुण है वो प्रोडक्ट के, क्या क्या गुण है वो प्रोडक्ट, क्या क्या गुण है उसका उल्लेख करना चाहिए. The qualities. And the fifth point, शीर्षक. एक हेडिंग होगा ना, एक टाइटल सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहिए, प्लस हमारा शुड बी अट्रैक्टिव. ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट वन से एक और बार बताइए. सबसे पहले क्या है विज्ञापन लेखन का क्या अर्थ है अफ्रीनामी, क्या अर्थ है विज्ञापन शब्द का, क्या अर्थ है अफ्रीन, कैन यू हियर मी, क्या अर्थ है बेटा कार्लिन? सूचना प्रदान करना. देन विज्ञापन लेखन के कुछ गुण होते हैं, राइट? पहला गुण एनीवन, आकर्षक होना चाहिए. हमारा एडवर्टाइजमेंट आकर्षक होना चाहिए. एंड द सेकंड वन, there should be more information about the product. जिस चीज का विज्ञापन करना चाहिए, जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका, हाँ वो qualities क्या है, उसका qualities का गुण, गुण गुणों का उल्लेख करना चाहिए. then the name of the product should be repeated more than one time. Should be written in simple words. Qualities of the product should be हमारे विज्ञापन लेखन प्रिपेयर करते समय विज्ञापन लेखन के लास्ट में एट लास्ट सम स्लोगन का प्रयोग भी करेंगे. सम स्लोगन अवसर न चूंगे, दीज वर्ड्स वी कैन यूज इन अवर एडवर्टाइजमेंट. अट लास्ट मिडिल वीक है. इफ यू कैन प्लीज कम टू द शॉप. Yeah. No. अवसर न चूंगे. क्या है इसका मीनिंग? Limited stock only. The third one.
सुनहरा अवसर गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन चांस यस देन द लास्ट फोर्थ वन Come first and get first. आज ही गिरी दे Today. Not 7th standard, 8th standard model. 8th, 9th standard. This is 8th, 9th standard advertisement. You can prepare in your own way. Because ek heading hona chahi, box hona chahi. Then what I wrote, the right statement. Can you mute your audio? Some disturbances are coming. We have to do. Okay, thank you. Dekhi. इसका राइट साइड में मैंने नोट किया है 25% की छूट डिस्काउंट छूट मींस इट्स डिस्काउंट सो इन योर एडवर्टाइजमेंट में यू कैन राइट 30% की छूट 10% की छूट लाइक दिस ओके देन माय एक्टिविटी नॉट एक्टिविटी आई विल गिव ऑन द स्पॉट बिफोर दैट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस ओके Can you repeat one more time? My network has some problem. It was so slow that why I can't get it. Who is this? Afrin, ma'am. Okay, fine. Begin. Question: Hindi ki saatvim, aatvim, kakshaa ke vidyarthiyon ke liye. This is the question. Okay. हिंदी की सातवीं आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष हिंदी व्याकरण बाजार में आई है एक विज्ञापन तैयार कीजिए हिंदी की 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक व्याकरण एक ग्रामर बुक मार्केट में आई है इसके संबंधित एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना यह है क्वेश्चन ओके प्लीज नोट द आंसर आंसर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग विशेष हिंदी व्याकरण सिंपल है हमारा प्रोडक्ट का नाम देन इसके राइट साइड में क्या है एक एडवर्टाइजमेंट एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए बॉक्स कंपल्सरी ओके एडवर्टाइजमेंट या हमारा एडवर्टाइजमेंट या हमारा विज्ञापन लेकर प्रिपेयर करते समय इट शुड बी इन अ बॉक्स Everything, everything. Order. Okay, then, इसके राइट साइड में नोट किया है 25% की छूट, then मुफ्त ऑल्सो यू कैन, मुफ्त माने क्या है, फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, इस प्रकार कुछ मुफ्त है ना फ्री दैट ऑल्सो यू देन द सेकेंड वन कक्षा 7-8 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल पुस्तकें एकदम अट्रैक्टिव होने के लिए देन कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है ना क्या है ये कुछ बुलेट पॉइंट्स व्याकरण समझाने के सरल और रोचक उपाय वो क्या है वो बुलेट पॉइंट्स क्या है वो पॉइंट्स अबाउट गुण गुण है राइट क्वालिटीज गुणों का उल्लेख करना चाहिए एक पॉइंट हमने देखा ना हमारे प्रोडक्ट के विशेष गुण कुछ गुणों का उल्लेख करना चाहिए देखिए फर्स्ट पॉइंट इज व्याकरण समझाने के सरल और रोचक उपाय उदाहरणों का मेन क्या है उदाहरण या मेन एग्जाम्पल्स एंड ऑल विल बी द गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का समावेश में मेनी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर विल बी द इस प्रकार वो बुक के बारे में वो ग्रामर बुक के बारे में है ये एडवर्टाइज ओके देन प्लस इसमें पिक्चर नहीं है
if you want, you can draw the picture of one book, grammar book, Vyakaran Pustak, like, then you can write there, Vyakaran Pustak. Okay, so your creativity. Okay, just the vikyabal. So vikyabal lekin attractive hona chahiye. Attractive, kya hai? Attractive ke liye is prakar shoot, picture also you can. Then the last what I wrote here, last one note karo bachho. आज ही गरी, आज ही गरी देख, हमने देखा राइट, कुछ स्लोगन हमने देखा, आज ही गरी देख, पहले आओ पहले पाओ, देन बम्बर सेल, क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर, इस प्रकार बहुत सारे स्लोगन हमने देखा, आज ही गरी देख, है ना। तो इस प्रकार एट लास्ट मिडिल में लिखना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ स्पेस का, कुछ स्पेस यहाँ लीव करना चाहिए, इसके बाद At last, middle में आज ही गरीबे इस प्रकार कुछ स्लोगन लिखना चाहिए दिस इज द मॉडल द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज हमारा विज्ञापन लेकिन एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए अट्रैक्टिव होना चाहिए देन पॉइंट्स के रूप में इसका क्या क्या गुण है वो पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखने तो अच्छा है इफ यू विश देन हेडिंग अट्रैक्टिव हेडिंग होना चाहिए देन छूट है तो छूट कितना परसेंटेज की छूट कितना परसेंटेज की इस तरह का दूसरा बनाना है यस यस या दूसरा बना क्वेश्चन है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इट्स सिंपली सिंपली इट जस्ट क्या है आपको स्लोगन विल शो And the model also can you show? Okay. Enough, right? Yes, ma'am. Start reading. Ma'am, now? Now? Now you can start. Neha, you joined just now, right? Neha? Right, it's no problem. Now you are only in 7th standard. Now 8th to 9th is there. No problem. Write with a pen. Okay, no need to write with a pencil and all. It will not be clear. So write with pen. Then box and all, if you want, you can draw with pencil, but write with pen. Then sketch pens and all, no need. Okay. Ma'am, now I'm just writing. And so now, yes, Anand, who is this? Isa is not clear, dear. Not clear. Ma'am, now I'm writing roughly, so can I copy it nice? No problem. Yeah, no problem. Okay. Ma'am, should we send you this one? Yeah.
after the class. Okay. Mobile phone hai to, otherwise see when you use. Ebin, you are writing, Ebin? Ebin, are you writing? Dev, you are writing, Dev? Dev, respond, you are writing? Ma'am, spelling mistake, no problem. No problem, right? No problem. I'm writing, I think it will be. It's not clear here. I'm not going to write. Adikin, we'll give one, I will show you one question. That question, it's an advertisement. Okay. First of all, please copy the question and write the answer. Okay, ma'am. Now itself we need to show. Yeah, after the class. Am I had copied? Okay. Prepare one advertisement about shoe mart. Shoe market. No, not shoe market. Shoe ka shop na. Jooton ka shop. हाँ. तो आपके town में एक new shop आ गया है. Jooton ka. So it's related एक advertisement. Okay. Nakul, what happened? Fighting? Minimum how much time should be there? Line means I will show you one. I just show one. It's a model. Na. 3 points. Ah, 3 or 4. Ah, you are chosen. Thank you. I'm finished. Who finished? Lakshmi finished. Afin finished. Who finished? Who said?
Ma'am, finish. Ma'am, phone is there, Suja? Yes, ma'am. Then send to me. All right. Ma'am, will you don't mind, can I go and take my phone and video off? Okay, thank you. Ma'am, I also finished. Then send to me here. Phone is there? No, no, no. Then evening, evening. Ma'am, can I also send in evening? Enough, Aditya, enough. Ma'am, while we send to you, we can do PowerPoint presentation. What? This letter, right? No. Right. Paper. I'm so happy. No problem. It's not a problem. Ma'am, I also finished. Can I go and take my phone? Okay. Ma'am, finished. I will send. Okay. Ma'am, can I take the phone, uncle? Sure. Ma'am, I will send after class. Okay, now. Okay, it's almost time. Yeah, finish it to send to me, dear. Okay, it's almost time to send your Vikyabal Lekhan to me. Okay, my personal number, WhatsApp number. Okay. Okay, next repeat class is after that. Ma'am, I wrote only two lines. Next repeat class is there, Anand? Next period at 1:40. 1 o'clock. If time is there, continue. I'm 12:15. Okay. Anyway, evening, before 7 o'clock, all of you send to me, okay? Okay. See you all. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.